दिल्ली में केजरीवाल सरकार जी की तरफ से बहुत ही अच्छे काम किए गए, तो मैं सबको यही आश्वासन देती हूँ कि मैं सेम आपके वार्ड से हूँ, तो अगर मैं फ़ोन नहीं भी पिक करती तो मैं 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल हूँ। दिल्ली जैसा चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने का, पार्क्स मेंटेन नहीं है, हमारे वार्ड में डिस्पेंसरी नहीं है, हॉस्पिटल है लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए डिस्पेंसरी नहीं है, कम्युनिटी सेंटर नहीं है, तो डॉग्स की बहुत प्रॉब्लम है कि और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है, और जैसे कि हर बार नगर निगम चुनाव में 26 वार्ड आया करते थे, तो इस बार वार्डों की गिनती बढ़ाकर 35 कर दी गई है। तो उसी के साथ आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 22 में, जिसके अंदर सेक्टर 31, 32 और 33 आते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे वार्ड नंबर 22 के आप पार्टी की उम्मीदवार अंजू जी से, उनका चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है हम आपको सुनवाएंगे। अंजू जी, पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको आप पार्टी की तरफ से टिकट मिला है। इसी के साथ आप बताइए कि आपने आप पार्टी को ही क्यों चुना है? क्योंकि बाकी पार्टीज़ के रिस्पांस को देखते हुए 15-20 साल से लास्ट हमने खुद भी सफ़र किया है कि कोई भी रिस्पांस नज़र नहीं आया, तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार जी की तरफ से बहुत ही अच्छे काम किए गए, मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, सरकारी स्कूल जो है स्मार्ट स्कूल बना दिए गए हैं, तो हमारे वार्ड में भी सेम यही प्रॉब्लम चल रही थी, तो इसलिए सोचा कि हम खुद आगे आएँ इस बार। अगर देखा जाए तो चुनाव सब जिसको जनता क्या करती है कि अपने बीच में से ही किसी ऐसे सूक्ष्म उम्मीदवार का चुनाव करती है कि जो उसके पूरे पूर्ण रूप से अपने काम कराए और हर चीज़ में सफलता एक होती है, जो वार्ड की प्रॉब्लम होती है उस पर खरा उतरे, उनकी मदद करे लोगों की। लेकिन जनता का कहना है कि जब चुनाव होते हैं तो वो आते हैं घर पे, हाथ भी जोड़ते हैं, अनेक वायदे भी करते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो उसके बाद वो फ़ोन तक रिसीव करना ज़रूरी नहीं समझते। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मुझे भी यही डोर टू डोर जाके ये सुनने को मिला है कि चुनाव जीतने के बाद फ़ोन तक पिक नहीं करते, तो मैं सबको यही आश्वासन देती हूँ कि मैं सेम आपके वार्ड से हूँ, तो अगर मैं फ़ोन नहीं भी पिक करती तो मैं 24 आपके लिए अवेलेबल हूँ, और आप मेरे घर आके बेल भी कर सकते हो। तो दातार ने जो ये सेवा का मौका दिया है तो इसको मैं पूरा करूंगी। देखिए, बीजेपी पार्टी भी आ चुकी है इस वार्ड में, पहले कांग्रेस पार्टी भी आ चुकी है, लेकिन आप जनता के लिए ऐसा क्या कुछ खास करेंगे जो जनता आपको वोट दे? ये जो वार्ड टू वार्ड वार्ड में जाने का मौका मिला है, तो उनकी ये प्रॉब्लम्स है कि पार्क्स मेंटेन नहीं है, हमारे वार्ड में डिस्पेंसरी नहीं है, हॉस्पिटल है लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए डिस्पेंसरी नहीं है, कम्युनिटी सेंटर नहीं है, तो डॉग्स की बहुत प्रॉब्लम है कि लोग सैर को ही नहीं निकल सकते, तो इन सब सेम मैनिफेस्टो में भी यही है मेंशन किया, तो इन कार्य को ज़रूर पूरा किया जाएगा। बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही अपने आप में एक अहम पार्टी रही हैं चंडीगढ़ में, आप पार्टी इस बार नगर निगम में उतरी है, तो किस तरीके से आप उनको चुनौती देंगे? क्योंकि मुझे जहां तक डोर टू डोर जाने का मौका मिला है तो लोग बहुत ही परेशान हैं कि लास्ट 10 ईयर से बीजेपी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, तो आप दिल्ली में केजरीवाल जी का देख ही रहे हो, तो उसी की तरह कि दिल्ली जैसा चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने का वो चल रहा है, कहाँ चंडीगढ़ सेकंड नंबर पे था और अब 66 नंबर पे आ गया है, तो वो प्रयास दोबारा रहेगा कि अपने वार्ड को वैसे ही सुंदर बनाया जा सके। कोई भी ऐसे 3 वादे बताइए जिसपे आप खरा उतरेंगे जीतने के बाद। पार्क्स मेंटेन सेकेंड है कि केजरीवाल जी की पहली गारंटी है कि 20,000 लीटर पानी फ्री, और थर्ड है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से गेट ऑपरेटेड सोसाइटी बनाई जाए। अगर देखा जाए बीजेपी पार्टी को, तो जो किसान लोग हैं उनसे लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए भी हैं बीजेपी पार्टी से इस 3 कृषि कानूनों के ऊपर, लेकिन अभी तो वो वापस हो गए हैं। और अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी में काफ़ी इस बार फेरबदल हुए हैं, तो आप उसको किस नज़रिए से देखती हैं? ये जो किसानों वाला मुद्दा है, इसको अगर ये चाहते तो विद इन 15 days सॉर्ट आउट कर सकते थे। 700 किसानों की कुर्बानियों के बावजूद उन्होंने ये स्टेप उठाया है, क्यों वो अब क्लियर है कि उन्होंने चुनावी दौर करके ही ये स्टेप उठाया है ताकि वो चुनाव जीत सकें।
बात करें केजरीवाल की, अभी कुछ टाइम पहले कुछ लोगों को आश्वासन दिया गया था, 12 लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आपको टिकट्स मिलेगी, लेकिन अब जब नॉमिनेशन फॉर्म की लिस्ट जारी हुई है तो उनका नाम उसमें नहीं आया है। उनका वो आक्रोश कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट आके। उनका कहना है कि केजरीवाल ने उन लोगों को टिकट दिया है जिन्होंने पैसे भरे हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो पार्टी का डिसीज़न है, मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती, क्योंकि ये खुशी की बात है कि हर एक वार्ड से 10-10 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो उनमें से पार्टी के लिए भी डिसीज़न लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने, मैं अगर अपनी बात करती हूँ, तो उन्होंने कैपेबिलिटी के हिसाब से दातार ने कृपा की और दासी को मौका दिया है। आप अपने वोट वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगी? मैं यही संदेश देना चाहूंगी, आपने 5 ईयर्स कांग्रेस को, 10 साल बीजेपी के दिए, तो अब एक बार सेवा का मौका देके देखो कि नेक्स्ट टाइम। तो मैं यही कहूंगी, अगर हमारा काम अच्छा लगा तो आप वोट देना, अदरवाइज जरूरत ही नहीं पड़ेगी मांगने की। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी भी आ चुकी है, बीजेपी पार्टी भी आ चुकी है इस वोट में, लेकिन एक मौका आप पार्टी को देके देखिए, ये अगर उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते तो उसके बाद की बात है। और ऐसी कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए आज प्रकाश टीवी पर। मैं अवनी चौधरी, कैमरा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।